Okay, number 16. क्या लिखा मैंने? रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, अब 15-20 मिनट समझना बहुत अच्छे से. इम्पोर्टेंट चीज क्या बता रहा हूँ कि जो कॉकरोच होता है उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ट्रेकियल सिस्टम. कौन सा होता है? ट्रेकियल सिस्टम. अगर कभी आपको पूछा जाए कि कॉकरोच श्वसन किसके द्वारा करता है तो आप बोलोगे ट्रेकियल तंत्र द्वारा करता है. किसके द्वारा? ट्रेकियल तंत्र. अब ये क्या होता है, कैसे, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, बात समझना. पहले यहाँ पर आपको बना रहा हूँ एक कॉकरोच, क्लियर. अभी मुझे काम की चीज दिखानी है इसलिए मैं ज्यादा बोलो दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ. बात समझ में आए? बोलो ओके. ऐसे मैंने कर दिया. तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, जो कॉकरोच होता है उसकी जो बॉडी की जो लेटरल वॉल होती है उस पर 10 जोड़ी छिद्र होते हैं. क्या होते हैं? 10 जोड़ी छिद्र. चलो हम भी बना देते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, 1, 2, 3. इधर क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैंने 10 पेयर बोल दिया. ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. ठीक है, बात समझना. ठीक है, ये कॉकरोच है, बात समझ में. अब ये जो छिद्र होते हैं इनको बोलते हैं स्पेरिकल्स. क्या बोलते हैं? स्पेरिकल्स. ये जो होते हैं, एक तो मैंने कहा पोजीशन इनकी क्या होती छिद्रों की. बोलो आप कहोगे लेटरल. ठीक है, बॉडी वॉल. लेटरल बॉडी वॉल मतलब समझ गए कि कॉकरोच है तो कॉकरोच की इधर भी और समझे. बोलो पार्श्व दह भित्ति. बोलो किस पे होते हैं? लेटरल बॉडी वॉल. इनकी संख्या होती है छिद्रों की 10 जोड़ी. कितनी? बोलो 10 पैर. उसमें से जो दो पेयर होते हैं, जो दो जोड़ी छिद्र है स्पेरिकल्स, वो तो होते हैं 8 थोरेक्स. ठीक है, और 8 पेयर जो होते हैं स्पेरिकल्स के वो कहा होते हैं? 8 एब्डोमन. ठीक है, एब्डोमन. इसलिए मैंने यहां से लगाकर यहां तक बताया. बोलो बात समझ में आए? ओके, यानी दो जोड़ी तो कहां पर होंगे? थोरेक्स पे. और 8 जोड़ी कहां पर होंगे? एब्डोमन में. बात समझ में आए? बोलो ओके. अब मैं थोड़ा सा इतना सा का इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ. ठीक है, ध्यान से समझना. ट्रेकियल सिस्टम बताने जा रहा हूँ. ठीक है, ये सब कॉकरोच के अंदर अंदर की बातें बता रहा हूँ मैं आपको. ठीक है, ओके. देखो ये जो मैंने छेद बताया है, इमेजिंग करो ये क्या है? स्पेरिकल्स है. ठीक है, बात समझना. और ये क्या है? ये है ट्रेकिया. क्या है? बोलो ट्रेकिया. ये क्या होता है? ट्रेकियोल्स. क्या होता है? ट्रेकियोल्स. और ये क्या है? बॉडी सेल्स है. क्या है? बोलो बॉडी सेल्स है. ओके, अब ये जो ट्रेकिया होता है वो क्या होता है, तो मैं कहूंगा ट्रेकिया जो है वो है एयरवे पैसेज. ठीक है, बिटवीन, मैंने कहा स्पेरिकल्स एंड ट्रेकियोल्स. दिख रहा है आपको? बोलो कि एयर के आने और जाने का मार्ग है किसके मध्य? बोलो स्पेरिकल्स और ट्रेकियोल्स के मध्य. ठीक है, और जो ट्रेकियोल्स होगा उसमें क्या होगा? बोलो, मैंने कहा एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब इसमें भी इनहेल और एक्सहेल होगा, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होगा. तो इस तरह से बोलो चीजें जाएगी भी और आएगी भी. ठीक है, जाएगी भी और आएगी भी. ठीक है, तो मैंने कहा इस तरह से. ठीक है, बॉडी फ्लूइड के साथ अब आना जाना होगा, इनहेल एक्सहेल यही होता है. अब ये मैंने आपके दिमाग में पिक्चर बनाई, अब मेरी बात को समझना. पहले ऐसे लिख तू, बोलो ये कौन है? ट्रेकियोल्स. ठीक है, ये क्या है? बोलो
ट्रेकिया, ठीक है, ये तो स्पेरिकल छिद्र है, बोलो ये है, बोलो बॉडी सेल्स, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पर बोलो इंस्पायरेशन रेस्पिरेशन में दो ही होता है, और एक क्या होता है, एक्सपायरेशन, ठीक है, मैकेनिज्म बता रहा हूँ। ये होता है अंतः श्वसन, और ये क्या होता है, बहिश्वसन, ठीक है। ओके, जब इंस्पायरेशन का मतलब एयर इनहेल करना कि एक्सहेल करना, इनहेल करना। इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, एयर का इनहेल करना। जब कॉकरोच एयर को इनहेल करेगा, ठीक है, मैंने कहा बोलो आपको इनहेल एयर, ठीक है, यानी वायु को अंदर लेना। एक बात दिमाग में अच्छे से फिट करना, मैं आपसे कहूँ हम भी लेते एयर है निकालते एयर है। बचपन में हमें कहा गया था कि हम O2 लेते और CO2 निकालते, बिल्कुल गलत बात है। या कोई फिल्टर लिखा हुआ है कि O2 ही जाएगी CO2 ही निकलेगी? हम लेते भी क्या है, एयर, और वापस क्या निकलती है, एयर। बात समझ में? हाँ, बस फर्क इस बात का है कि जो हम इनहेल एयर करते हैं उसमें O2 21% होता है, CO2 0.03% होता है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो O2 16% होता है और CO2 0.3% होता है। इसका मतलब जो एयर हम लेते हैं उसमें O2 ज़्यादा, CO2 बहुत कम है। जो हम एयर निकालते हैं उसमें O2 की तुलना में CO2 बहुत ज़्यादा है। बोलो बात समझ में? ओके, तो ऐसे ही कॉकरोच है। बोलो कॉकरोच भी क्या कर देगा, एयर लेगा और एयर निकालेगा। तो बात समझ, इनहेल एयर करेगा, ठीक है, वायु को अंदर लेना। जब बोलो ये एयर को अंदर लेगा तो इसमें क्या होता है, एब्डोमन एब्डोमन रिलैक्स होता है, एब्डोमन रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। बोलो एब्डोमन क्या हो जाता है, इसका रिलैक्स हो जाता है। एब्डोमन के रिलैक्स होते ही क्या होता है कि फोर अपर पेयर, ठीक है, ऑफ मैंने कहा एंटीरियर स्पेरिकल्स, ठीक है, फोर अपर पेयर, अपर मैंने कहा पेयर, ठीक है, ऑफ बोलो स्पेरिकल्स जो है, ठीक है, बोलो स्पेरिकल्स जो है, बोलो मैंने कहा वो तो हो जाते ओपन, क्लियर, एंड सिक्स लोअर, क्लियर, पेयर, ठीक है, ऑफ जो आपका स्पेरिकल्स जो है, ठीक है। बोलो यहाँ पर मैं जो छिद्र बता रहा हूँ अभी, जो मैं पहले आपको सेटिंग बताई, वो क्या हो जाते हैं, क्लोज्ड, ठीक है। और जैसे ही ऐसा होता है तो बोलो एयर मैंने कहा इनसाइड, ठीक है, इनसाइड क्या होती, एंटर, इनसाइड बोलो मैंने कहा एंटर, ठीक है। तो ये जब फिनोमिना होगी वो कब होगी, जब इंस्पिरेशन होगा। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर जब वो इंस्पिरेशन करेगा, जब वो इनहेल करेगा, जब एयर इनसाइड जाएगी, तो कितने स्पेरिकल काम आते हैं, केवल ऊपर के 4 जोड़ी स्पेरिकल ही काम आते हैं, और 6 जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। जब ये करेगा, मतलब ये आप क्या बोल रहे हो, एक्सहेल एयर, यही मतलब होता है इसका, बोलो। ओके, तो उस समय क्या होता है, वायु बाहर निकालता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, एब्डोमन में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, एब्डोमन में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन। और जैसे इसके एब्डोमन में कॉन्ट्रेक्शन होगा, संकुचन होगा, तो उल्टा हो जाएगा, फोर अपर मैंने कहा पेयर, ठीक है, ऑफ बोलो मैंने कहा स्पेरिकल जो छिद्र है वो तो हो जाएंगे क्लोज, एंड सिक्स लोअर मैंने कहा पेयर ऑफ स्पेरिकल्स वो क्या हो जाएंगे, बोलो ओपन। और ऐसा होते ही बोलो एयर क्या हो जाएगी, आउटसाइड चली जाएगी, क्लियर। बोलो मैंने कहा एयर मूव आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड, और इसमें क्या था, बोलो एयर मूव इनसाइड, और एयर मैंने कहा मूव इनसाइड, ठीक है। तो आपको मेरी बात समझ में? अब ये सब कुछ समझने का है, मेन चीज आपको पता चल गया। ये तो हम बोलो हमेशा से जानते हैं कि इसका जस्ट उल्टा ही होता है। और समझ, हमारे में भी जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो हम हमारे में इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन पढ़ते हैं, हालांकि हमारा सिस्टम अलग है। हमारे में डायफ्राम का इन्वॉल्वमेंट होता है, डायफ्राम में रेडियल मसल होती है और रिब्स के बिटवीन इंटरकोस्टल मसल होती है, उनमें ही रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन से हम फिनोमिना को समझाते हैं, क्लियर। तो इसमें भी बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, ये जो इसका सिस्टम है इसको क्या कहा जाता है, ट्रेकियल सिस्टम। अब इसमें आप वो है ना, पूरा आपको सब कुछ बताया, 3 चीज़ें हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन देती है। एक तो इसमें रेस्पायरेटरी सिस्टम कौन सा होता है, बोलो ट्रेकियल सिस्टम। इसमें स्पेरिकल्स मतलब जो छिद्र हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 10 जोड़ी।
बात समझ में आए, बोलो ओके। और वो 10 जोड़ी होती है, और जब ये इंस्पायरेशन करता है तो कितने बोलो आपके क्लोज होते हैं, कितने ओपन होते हैं। तो जब 4 ओपन वाले ऊपर होंगे, बात समझ में आए बोलो, और 6 क्लोज होंगे। कब? जब इंस्पायर। और जब एक्सपायरेशन, वो तो जस्ट उल्टा होगा, जो ओपन हुए थे वो क्लोज हो जाएंगे, जो क्लोज हुए थे ओपन हो जाएंगे। बात समझ, मतलब ये दिमाग में रखने पर ये तो अपने आप ही हो जाता है। तो ये मैंने आपको इसके अंदर बताया, बात समझ में आया बोलो ओके। तो आप क्या करोगे? नॉट, ठीक है। अच्छा, अपने में भी जब हम एयर वगैरह लेते हैं, बोलो O2, अपने तो कह लंग्स है, बताओ लंग्स खुद के पास ही रख लेता है कि बॉडी सेल तक पहुंचाता है? और बोलो बॉडी सेल तक पहुंचाता है। तो इसमें मैंने ये बॉडी सेल क्यों कनेक्ट किया, समझ में आया बोलो? कि अल्टीमेटली इसमें भी जो जाएगी अंदर एयर, वो बॉडी सेल तक जाएगी, वापस जो निकलेगी वो भी वहीं से निकलेगी। अपना भी सिस्टम ऐसा होता है, हालांकि अपना थोड़ा अलग होता है क्योंकि अपने में लंग्स होते हैं। और बोलो, समझ रहे हो ना? बोलो ओके। तो आपको मैंने जो बताया समझ में आया, बोलो? नोट, इसको किसकी नजर से देखोगे? कॉकरोच। अभी मेरे को कॉकरोच का और कुछ नहीं बताना था, केवल मैं किसको छेद को बताना था, ठीक है? ओके,
एयरवे पास पैसेज बिटवीन एस्पेरिकल्स एंड ट्रेक्योज, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ध्यान से समझना। मैंने कहा बोलो, यह है मतलब ये जो ट्रेकिया होता है वो वायु, ठीक है, का मार्ग है, बोलो स्पेरिकल्स, ठीक है, तथा ट्रेक्योल्स, ठीक है, ट्रेक्योल्स के मध्य, ठीक है, बात समझ में आए, बोलो। और ये जो ट्रेक्योल्स होगा इसमें डेफिनेटली क्या भरा होता है, ट्रेक्योल फ्लूड भरा होता है, ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, ट्रेक्योल फ्लूड भरा होता है, ठीक है, ट्रेक्योल्स फ्लूड, ठीक है, और ये बॉडी सेल है तो इसमें क्या होगा, बोलो, बॉडी फ्लूड, ठीक है। हो गया, पहले बताओ ये समझ गए कि लिखो हिंदी में, ये क्या लिखा, फोर अपर पेयर ऑफ स्पेरिकल्स ओपन एंड सिक्स लोअर पेयर ऑफ स्पेरिकल्स क्लोज, हाँ या ना, तो बोलो। ऊपरी चार जोड़ी छिद्र खुलते हैं और नीचे के छह जोड़ी बंद हो जाते हैं, किसी को लिखना हो तो ऐसा भी लिख सकता है, ठीक है। हो गया, उदर में संकुचन, ठीक है, और ये क्या बोला मैंने, उदर में शिथिलन, वायु अंदर आएगी, इधर क्या लिखूंगा बोलो, वायु बाहर जाएगी, ठीक है, इसका मतलब कभी कॉकरोच मिल जाए ऊपर का कवच अवच हटा कर देखेंगे छेद है कि नहीं है, और समझे ही समझे, बोलो,
सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, बोलो बात समझो ना। ठीक है, आज से 20-25 साल 30 साल पहले ये सब लैब में स्टडी होते थे, बोलो डिसेक्शन होते थे कॉकरोच का, इनका बात समझो ना, मेंढक का। फिर क्या है कि लोग बच्चे हैं लड़कियां डरने ज्यादा लग गई तो फिर हटा दिया, बात समझो ना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो। ठीक है, पहले बताओ आपको कॉकरोच में रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? ट्रेकियल सिस्टम होता है। ट्रेकियल सिस्टम जो होता है वो कैसे बना होता है? मैंने कहा उसमें 10 जोड़ी छिद्र होते हैं, और बोलो मैंने एक छिद्र का ये बताया, इधर ध्यान देना, ये जो मैंने ऐसा बताया ऐसा बोलो पूरी बॉडी में होगा। आप समझना, मैंने ये जो रे डायग्राम बनाया है ये एक छिद्र जो ये यहाँ पर बताया ना मैंने, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, समझ में आया? बोलो। ये बॉडी वॉल होगी, बोलो बॉडी, आपसे मैं कह रहा हूँ तो बॉडी सेल्स होगी, तो इस तरह से ये एयर लेगन, ये बात समझ में आया? ओके। अपने जैसे नाक थोड़ी है उसके, अरे समझे समझे, अपने भी ये अरे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है ना, कॉकरोच में ऐसा नहीं है, बात समझो ना, इसमें इस तरह से होता है। ठीक है, ओके। कोई इंतजार कर रहे हो सर, नाक कब बताएंगे? इसमें कॉकरोच में नोज नहीं होता है। ठीक है, ये कर लिया नोट, बोलो। पॉइंट नंबर 16 था, ये 17। ठीक है, मैंने लिखा एस्क्रिटरी सिस्टम। ठीक है, वापस ध्यान से समझना, इसमें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, इसमें एस्क्रिटरी स्ट्रक्चर बोलूं, ऑर्गन बोलूं, कुछ भी पूछे तो कौन है? बोलो, मेल पिगियन, मेल पिगियन, बोलो मेल पिगियन ट्यूबल्स होती है। ठीक है, बोलो मेल पिगी नलिका, ठीक है, क्या होती है? बोलो मेल पिगियन ट्यूबल्स। अच्छा, मेल पिगियन ट्यूबल्स की पोजीशन क्या होती है? मैं पहले ही बता चुका हूँ, इधर ध्यान देना। बोलो, मैंने आपको कहा था एट जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हिंड गट, क्लियर? बोलो, कल डायग्राम में मैंने एक साथ ही बता दिया था, मैंने कहा एट बोलो जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हिंड गट, इसलिए मुझे वापस डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल ही मैंने आपको वहां पर बता दिया था, क्योंकि इसमें एस्क्रिटरी सिस्टम एसोसिएट विद डाइजेस्टिव सिस्टम। बोलो, मैंने कहा कॉकरोच में, ठीक है, मैं बोलो एस्क्रिटरी एस्क्रिटरी सिस्टम सिस्टम एसोसिएटेड विद विद, मैंने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, क्या लाइन लिखी समझ में आया? बोलो कि कॉकरोच में कॉकरोच में कॉकरोच में उत्सर्जी तंत्र पाचन तंत्र के साथ, पाचन तंत्र, ठीक है, के साथ, बोलो के साथ जुड़ा होता है, तंत्र के साथ बोलो जुड़ा होता है। आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कल जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था उसी समय मैंने आपको बोलो मेल पिगियन ट्यूबल्स भी बता दी थी, क्लियर? ओके। उसके बाद नंबर फोर्थ पॉइंट, आपको पता होना चाहिए इसमें एस्क्रिटरी प्रोडक्ट कौन होता है, तो बोलो वो होता है यूरिक एसिड। क्या होता है? बोलो यूरिक एसिड। कौन होता है? बोलो यूरिक अम्ल। ठीक है, अगर आपको कभी पूछे उत्सर्जी पदार्थ, क्लियर, और तो इसका मतलब हुआ कॉकरोच कैसा हुआ? यूरिको टेले। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कॉकरोच यूरिको टेलिक। ठीक है, बोलो यूरिको टेलिक, यूरिको टेलिक होता है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, नोट कर लो। उत्सर्जी संरचना, ठीक है, या अंग, क्या इसमें भी हमारी तरह किडनी होती है क्या? नहीं। ठीक है, मेल पिगियन ट्यूबल्स होती है।
ये भी लिखूंगा, समझ गए। स्थिति क्या बोल सकता हूं, मध्य तथा पश्च आंत्र के संधि पर, ठीक है, संधि पर, ठीक है, ओके। डायग्राम कल आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। क्या बोलो, ओके, याद तक कहानी समझ में आए, बोलो। अब हम लेते हैं नंबर कौन सा, पॉइंट 18, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। देखो, डाइजेस्टिव लिया, सर्कुलेटरी लिया, रेस्पिरेटरी लिया, एस्केटरी लिया, अब मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव, क्लियर। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पहले तो इसके मेल रिप्रोडक्टिव में इसके पास होता क्या क्या है, बात समझना। मैंने कहा टेस्टिस एक जोड़ी होता है। अब पहले आप 10 मिनट अच्छे से ध्यान से देना, पहले मैं ये लिख रहा हूँ, पूरा मैं डायग्राम बना के बताऊंगा। टेस्टिस यानी वृक्षण, लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बोलो, एक जोड़ी होता है। अब इसमें क्या होता है, एक जोड़ी टेस्टिस तो होता है, लेकिन हर टेस्टिस तीन लोब्यूल से मिलकर बना होता है। कितने लोब्यूल से, तीन लोब्यूल से, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर प्रत्येक टेस्टिस, ठीक है, तीन लोब, ठीक है, से बना होता है। और ये जो लोब होते हैं वो फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सेगमेंट पे होते हैं। किस पे होते हैं, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट, बोलो बात समझ में। फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेगमेंट किसके, बोलो, एब्डोमेन के। टेस्टिस क्या यहाँ सिर पे होंगे क्या, और बोलो, समझे, कॉकरोच पड़ रहे हैं ना, ओके। 10 सेगमेंट है, किसमें, बोलो, एब्डोमेन में, तो फोर फिफ्थ सेगमेंट लिखने की जरूरत नहीं, किसमें, बोलो, एब्डोमेन में, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा नंबर टू, मतलब कॉकरोच में क्या कुछ कहीं और पहुंच जाते हैं, बात समझ रहे, टॉपिक मतलब ये ऐसे ही अर्थवर्म कॉकरोच, ये तो मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ, बाकी तो बहुत प्रॉब्लम आती है इनमें, ठीक है। पहले एक जोड़ी क्या होता है, टेस्टी। अच्छा, अपना पढ़ रहे हैं कि कॉकरोच का पढ़ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। अभी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने कहा दूसरा, मैंने लिखा वासा डिफरेंसिया, ठीक है। वासा डिफरेंसिया मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्र वाहिनी, ठीक है। देखो, शुक्र वाहिनी भी जब दो टेस्टीज है तो ये भी क्या होंगे, एक पे है, ध्यान समझना। मैंने लिखा तीसरा सेमिनल वेसाइकल, क्लियर। सेमिनल वेसाइकल हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्राशय। देखो, सेमिनल वेसाइकल ह्यूमन में तो एक जोड़ी होता है मेल में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक ही होता है। मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, समझ में आया, बोलो, क्योंकि हमारा ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ह्यूमन का हर सिस्टम हमारे दिमाग में रहते हैं, बोलो बात समझ। यहाँ हम कॉकरोच के पढ़ रहे हैं, कॉकरोच में सेमिनल वेसाइकल कितना है, एक, और जबकि ह्यूमन में कितना होता है, एक जोड़ी होता है। टेस्टिस भी एक जोड़ी होता है, वासा डिफरेंसिया भी एक जोड़ी होती है,
और सेमिनल वेसाइकल भी एक जोड़ी होता है, जबकि इसमें सेमिनल वेसाइकल कितना एक है, ठीक है। अगर एक सेमिनल वेसाइकल है तो इजेकुलेटरी डक्ट भी एक होगी। बोलो ह्यूमन के अंदर एक जोड़ी सेमिनल वेसाइकल है तो एक जोड़ी क्या होती है, इजेकुलेटरी डक्ट होती है। बोलो बात समझ, इजेकुलेटरी डक्ट का नाम सुना, सेमिनल वेसाइकल से बोलो आपसे मैं कहूँ सीमन विद स्पर्म लाने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, बोलो इजेकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इजेकुलेटरी डक्ट मतलब क्या होता है, स्खलन नलिका, ठीक है, वो भी डेफिनेटली एक ही होगी। बोलो बात समझ में। अब उसके अलावा दो इसमें ग्लैंड होती है, एक होती है मशरूम ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है बोलो, मशरूम बोलो ग्रंथि, ठीक है। अच्छा ये भी कितनी होगी बोलो, एक, क्योंकि ये अराउंड सेमिनल वेसाइकल होती है। जब सेमिकल वेसाइकल एक है तो ये जो भी मैं बना रहा हूँ अभी मैं पिक्चर भी बनाऊंगा आपको, बोलो क्लियर। मैंने कहा ये मशरूम ग्रंथि भी कितनी होती, एक, और मैंने कहा सेमिन अराउंड सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल वेसाइकल के चारों ओर, क्लियर, चारों ओर। इसके अलावा इसमें एक फैलिक ग्लैंड भी होती है, कौन सी ग्लैंड होती है बोलो, फैलिक ग्लैंड भी होती है, क्लियर, ओके। फैलिक ग्लैंड बोलो क्या लिख रहा हूँ मैं, बोलो फैलिक ग्लैंड, ठीक है। मैंने कहा ये फैलिक ग्रंथि, ठीक है। फैलिक ग्लैंड का ही दूसरा नाम इसमें बोलते हैं कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड बोलो, कॉन्ग्लोब्लो, क्या लिख रहा हूँ मैं बोलो, कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा तो आपको याद ही नहीं रहेगा, क्या लिखा मैंने बोलो, कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, ये इस पहली ग्लैंड का ही नाम है, ठीक है। ये भी इसमें कितनी होती, एक होती है। अच्छा मेल पढ़ रहे हैं ना, बोलो मैंने लिखा एनल स्टाइल, लिखना ही पड़ेगा बोलो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, पहले से अपन ने पिक्चर बनाई है कि ये मैथुन में सहायक होता है। भाई मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पढ़ाऊंगा तभी तो मैं आगे फर्टिलाइजेशन की जनन की बात करूंगा, क्लियर। तो तैयारी सारी कर रहा हूं मैं, बोलो क्लियर। ये एक के एक जोड़ी, एक जोड़ी, एक के एक जोड़ी, ये आपको पता होना चाहिए, कौन से सेगमेंट में बोलो, नाइन सेगमेंट में। सेगमेंटेड होता है अनसेगमेंटेड होता है, अनसेगमेंटेड, मैंने आपको पहले से चीजें बताई है, ठीक है, ओके। तो ये सारा चीज जो है इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है। बोलो आपको मेरी बात समझ में आए, बोलो क्लियर। तो पहले ये नोट करो फिर मैं इसका बड़ा सा डायग्राम बना के बताता हूँ, क्लियर, ओके। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछते हैं कि मशरूम ग्लैंड कॉकरोच के किस में होती है, मेल रिप्रोडक्टिव में फीमेल रिप्रोडक्टिव में, क्लियर। मेरी बात को समझना, वापस ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। आज अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो ग्लैंड होती है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, एक काउपर ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, काउपर ग्लैंड, वो फीमेल में होती बार्थोलिन ग्लैंड, क्लियर। तो हम कॉकरोच का पढ़ रहे हैं तो कॉकरोच में कौन सी ग्लैंड होती है, मशरूम ग्लैंड और फैलिक। बोलो बात, एग्जाम में पूछते हैं मशरूम ग्लैंड किस में होती है, कॉकरोच अर्थवर्म, समझ में आया बोलो, तो कॉकरोच के मेल रिप्रोडक्टिव में होती है, ठीक है। थोड़ा जूम करो कि दिख रहा है पीछे, जूम करो, बस कहने की जरूरत है, ठीक है। कितना लिख लिया था, प्रॉपर करो, जो मशरूम होती है ग्लैंड एक होती है, और मैंने कहा सिक्स एंड सेवन सेगमेंट, क्लियर, सिक्स एंड सेवन सेगमेंट बोलो पर, ठीक है।
गया, ठीक है। बनो में डायग्राम, बोलो। यहां पर देखो, मैंने लिखा स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के नर जनन तंत्र का चित्र, ठीक है, कॉकरोच के नर जनन तंत्र, ठीक है, का चित्र, ठीक है। देखो, एक दो और तीन, बोलो, एक दो और तीन, ये तीन लोब से मिलकर गाना, एक टेस्टिज और दूसरा टेस्टिज, बोलो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, मतलब समझ के बोलो, एब्डोमेन के फोर्थ भी सिक्स सेगमेंट होता है, ठीक है। देखो, ये टेस्टिज है, टेस्टिज से क्या निकलेगी, बोलो, टेस्टिज से क्या निकलेगी, वासा डिफरेंशिया, ठीक है, वासा डिफरेंशिया, बात समझो ना। तो पहले बनाना मत, ध्यान देना। अब ये एक जोड़ी टेस्टिज, एक जोड़ी वासा डिफरेंशिया, सेमिनल वेसाइकल क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। इस सेमिनल वेसाइकल पर, इस सेमिनल वेसाइकल के चारों ओर कौन सी ग्लैंड होती है, बोलो, मशरूम ग्लैंड होती है, ठीक है। अब इस सेमिनल वेसाइकल से निकलती है इजेकुलेटरी डक्ट, क्या निकलती है, बोलो, इजेकुलेटरी डक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इस मशरूम ग्लैंड के ऊपर, ठीक है, मशरूम ग्लैंड के ऊपर, बोलो, मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान से समझना, ठीक है। ये जो मैंने बनाई, ये पूरी फैली ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है, बोलो, फैली ग्लैंड है, ठीक है, ओके। ये क्या है, फैली ग्लैंड है। ये जो दो बनाए, वो क्या, एनल स्टाइल है भाई, ये एब्डोमन है ना, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, बात समझ में। तो ये तो क्या हो गया, बोलो, टेस्टिज हो गया, ठीक है, बोलो, ये क्या हो गया, वासा डिफरेंशिया हो गया, ठीक है। फिर मैंने कहा ये क्या हो गया, सेमिनल वेसाइकल हो गया, ठीक है, सेमिनल वेसाइकल हो गया। उसके बाद ये क्या हो गई, बोलो, इजेकुलेटरी डक्ट हो गई, इजेकुलेटरी डक्ट हो गई, क्लियर। इजेकुलेटरी डक्ट एक है, सेमिनल वेसाइकल एक है, ये एक पेयर है और ये भी एक पेयर है, और हर टेस्टिस कितने लोब्यूल से मिलके बना, चार लोब्यूल से, और वो लोब्यूल कहाँ पर होते हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेगमेंट, बोलो, आपसे मैं कहूँ किसके, बोलो, एब्डोमन, ठीक है, ओके, एब्डोमन। उसके बाद ये जो ग्लैंड बताई है मैंने, ये कौन सी ग्लैंड है, बोलो, मशरूम ग्लैंड है, ठीक है, बोलो, मशरूम ग्रंथि, ठीक है, बोलो, एक है कि एक जोड़ी है, बोलो, एक है, किसके चारों ओर है, बोलो, सेमिनल वेसाइकल, बात समझ में आया, बोलो। ये जो आपको नजर आ रही है कौन है, बोलो, फैलिक ग्लैंड है, जिसको मैंने कॉन्ग्लोब्लेट ग्लैंड भी बोला है। ये क्या है, बोलो, एनल स्टाइल है, जो मैथुन में हेल्प करेंगे, बात समझ में। मैंने केवल अंदर की चीज बताई, समझे समझे, बोलो, क्योंकि एब्डोमन के सेगमेंट वो हम पहले देख चुके हैं, बोलो, बात समझ में, ओके। तो जो मैंने यहाँ पर अभी लिखा था, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर बताई, ठीक है। ये वापस क्या है, एक पेयर है, बोलो, कहाँ पर, नाइन सेगमेंट, ठीक है, और मशरूम ग्लैंड जो होती है वो सिक्स एंड सेवन सेगमेंट में होती है, ठीक है। काम की सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखी,
ठीक है। बात समझ में आए? बोलो, ये जो फैली ग्लैंड है, बोलो, ये इजेकुलेटरी डक्ट है, बात समझ ना। और यही कहीं क्या होता है, बोलो, इसका ये मेल जीनो पोर होता है, क्लियर? या मैं आपसे कहूँ, इस पर मेटो पोर होता है, ठीक है? अब मेरी का बात काम की चीज समझना। ये तो रे डायग्राम बनाया अपन ने, इजेकुलेटरी डक्ट है, थोड़ी फैली ग्लैंड नीचे होती है, ये मेल जिनोपोर है, उसके ये कनेक्ट रहती है। अब क्या होता है, ये तो दो ग्लैंड है, इनका काम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है? तो मशरूम ग्लैंड किसके अराउंड है? सेमिनल वेसाइकल के। तो स्पर्म बनेंगे कहाँ? टेस्टिस में, चाहे कॉकरोच हो चाहे ह्यूमन हो, स्पर्म कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में। स्पर्म कहाँ आ जाएंगे? सेमिनल वेसाइकल में। सेमिनल वेसाइकल के चारों तरफ क्या है? मशरूम ग्लैंड। तो मशरूम ग्लैंड का काम क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, बोलो, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, बोलो, पोषण प्रदान करना। बात समझ में? मैंने क्या बोला, मेरी बात समझ में आए? बोलो, ह्यूमन में क्या होता है, जो सेमिनल वेसाइकल एक जोड़ी है, वो खुद सेमिनल फ्लूड को सीक्रेट करता है, जिसके अंदर फ्रुक्टोज होता है। इसीलिए जो काम मशरूम ग्लैंड इसमें कर रही है, वो काम ह्यूमन में सेमिनल वेसाइकल ही करता है। वापस समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ह्यूमन से कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, मेरी बात को समझना। सिस्टम सब एक जैसे हैं, खाली स्ट्रक्चर बदल रही है और बोलो चीज़ें बदल रही है। मैंने कहा ह्यूमन में भी स्पर्म कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में। टेस्टिस से बाहर स्पर्म आते किसके द्वारा? वासा डिफरेंशिया के द्वारा। किस में आते हैं? सेमिनल वेसाइकल। अब ह्यूमन में क्या, एक जोड़ी सेमिनल वेसाइकल, कितने? एक जोड़ी, क्योंकि ह्यूमन का सिस्टम ही अलग है, बोलो, बात समझो ना। तो वहां पर सेमिनल वेसाइकल जिस फ्लूड को सीक्रेट करता है, उसका नाम क्या होता है? सेमिनल फ्लूड। क्या होता है? शुक्र द्रव जिसको बोलते हैं। उस सेमिनल फ्लूड में होता है फ्रुक्टोज। क्या होता है? फ्रुक्टोज। और वो क्या करता है? सेमिनल फ्लूड स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये मशरूम ग्लैंड वही काम करती है। तो मशरूम ग्लैंड किसके सराउंडिंग है? बोलो, सेमिनल वेसाइकल के। तो इसका काम क्या होगा? स्पर्म को नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता, पोषण प्रदान करना, क्लियर? तो आपको मेरी बात समझ में? और ये फैली ग्लैंड है, ये फैली ग्लैंड यहाँ तक आ रही है। फैली ग्लैंड का काम क्या, कॉन्ग्लोमेरुलेट ग्लैंड भी कहते हैं। ये जो स्पर्मेटोपोर है, इसकी आउटर कवरिंग कौन बनाता है? बोलो, फैली ग्लैंड बनाती है। कौन बनाती है? फैली ग्लैंड, ये इसका काम होता है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैंने कहा वर्क ऑफ मशरूम ग्लैंड, ठीक है? तो मशरूम ग्लैंड का काम तो क्या होता है, बोलो, स्पर्म, ठीक है, को न्यूट्रेशन, ठीक है, बोले तो पोषण, बोलो, प्रदान करना, ठीक है, प्रदान करना। बात समझ में आए? बोलो ओके। और मैंने कहा वर्क ऑफ फैलिक ग्लैंड, ठीक है, वर्क ऑफ फैलिक ग्लैंड। और फैलिक ग्लैंड या बोलूं या कौन सी बोलूं, बोलो, कॉन्ग्लोमेट ग्लैंड, ठीक है, ये भी इसी का नाम है। तो उसका काम क्या होता है, बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं, फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ स्पर्मेटोपोर, क्लियर? स्पर्मेटोपोर, क्लियर? यानी स्पर्मेटोपोर, बोलो, छिद्र की, बोलो, बाह्य आवरण का निर्माण निर्माण करना, ठीक है? ये बोलो किसका काम है, फैली ग्लैंड या कॉन्ग्लोमेरुलेट ग्लैंड का? ये दो ग्लैंड इसके अंदर होती है। बहुत सी बार तो यही क्वेश्चन आता है, कॉन्ग्लोमेरुलेट ग्लैंड किस में होती है? कॉकरोच में। वहां जब एनिमल होते हैं तो अर्थवर्म, कॉकरोच, फेसियोला, फ्रॉग, ऐसे ऑप्शन हो गए, क्लियर? बोलो मशरूम ग्लैंड किस में होती है? बात समझ में आया? बोलो ओके। तो ये वाला बना लिया, नहीं बनाया? बोलो, बना लिया था ये? बोलो हाँ या ना? ओके। तो ये दोनों काम, ये हमने किसका बताया? मेल रिप्रोडक्टिव। कल क्या पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव, और फिर आगे फर्टिलाइजेशन और टॉपिक क्लोज। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो
तो अभी तक तो कॉकरोच का समझ में आया बोलो?